आशा वर्मा और आज से हम इंडिया ईट्स टॉडलर फूड रेसिपी की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी हेल्दी फूड रेसिपीज बच्चों के लिए। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी वेजिटेबल सूप, आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। ये रेसिपी है 1 ईयर एंड अबव बच्चों के लिए, लेकिन अगर आपका बेबी 12 मंथ से छोटा है तो आप इनमें से कुछ वेजिटेबल्स को यूज करके सूप बना सकते हैं। वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं वो मैं आपको इनको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे 2 फ्लावरेट्स ब्रोकली के। ब्रोकली से बेबीज को मिलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स जिनसे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ब्रोकली आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और ब्रोकली आप अपने बच्चे को 8 to 10 मंथ्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले देंगे तो बेबीज़ को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रोकली कट करके मैं कुकर में डालूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्वीट पोटैटोज, जो आप अपने बेबीज़ को आफ्टर 6 मंथ्स दे सकते हैं। स्वीट पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। स्वीट पोटैटोज में A, C, E, K, B1 to B6 और B9 विटामिन होते हैं जो आपके बेबी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। नेक्स्ट वेजिटेबल है बीन्स। यहाँ पे मैंने 2 बीन्स लिए हैं। ग्रीन बीन्स आपके बेबी को हेल्प करेंगे प्रोटीन्स और विटामिन्स प्रोवाइड करने में, और ग्रीन बीन्स प्रोवाइड करती हैं कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम जो बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ग्रीन बीन्स आप अपने बेबी को 1 ईयर के बाद ही दें, अगर पहले देंगे तो इनडाइजेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं बीन्स को भी कट करके कुकर में डाल दूँगी। नेक्स्ट वेजिटेबल है टोमेटो, जिसको मैंने ऊपर से पील कर लिया है। टोमेटोज प्रोवाइड करते हैं विटामिन ए, और टोमेटोज बेबीज की बोन्स और इम्यूनिटी पावर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप बेबी को टोमेटो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 8 to 10 मंथ्स में, तो इसके भी छोटे पीसेस करके हम कुकर में डालेंगे। नेक्स्ट है कैरेट। अगर आपके यहाँ रेड कैरेट अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेट भी एक ऐसी वेजिटेबल है जो आप अपने बेबीज को 6 मंथ्स के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैरेट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है बेबीज़ के लिए, और कैरेट्स विटामिन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोवाइड करती है जो फर्दर बेबीज़ की बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के पेट में जनरली कीड़े और वॉर्म्स हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कैरेट को एक बहुत अच्छा रेमेडी माना गया है। और कैरेट में आयरन भी होता है जो ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैरेट को भी मैं कट करके कुकर में डाल देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास बीटरूट, जिसे चुकंदर भी बोलते हैं। बीटरूट भी डाइजेशन और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है। बीटरूट भी आप अपने बेबीज़ को 8 to 10 मंथ्स में स्टार्ट कर सकते हैं। कट करके इसको कुकर में डालेंगे। और लास्ट में हमारे पास है थोड़ी सी पीस, जो प्रोवाइड करती है विटामिन ए, सी और साथ साथ कैल्शियम और आयरन जो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी सब्जियों को बॉईल करने के लिए। लिड से कवर कर देंगे और 2 विसल्स तक हाई फ्लेम पर, और फिर फ्लेम को लो करके फर्दर 5 मिनट्स तक और कुक करेंगे। सब्जियां बॉईल हो गई हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इन्हें मिक्सिंग जार में डालेंगे। और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब प्यूरी को सर्विंग बोल में निकालेंगे। अब हम तड़का पैन में डालेंगे 1/2 टीस्पून प्योर घी, और उसमें ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ जीरा पाउडर और क्यूमिन पाउडर, और साथ में बहुत थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, अ पिंच ऑफ जिंजर पाउडर, और फ्यू सेकेंड्स तक कुक करने के बाद हम इस तड़के को सूप में ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और बेबीज़ को सर्व करने के लिए ये हेल्दी सूप रेडी है। तो आप भी बनाइए हेल्दी वेजिटेबल सूप और सर्व करें अपने बेबी को। तो अगर आपको ये रेसिपी और हमारी न्यू टॉडलर्स फूड रेसिपी सीरीज़ अच्छी लगी तो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने व्यूज़ मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।